नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित मनीष आचार्य आज आपकी सेवा में हाजिर हूँ बहुत ही आसान सा और सरल सा उपाय लेके, जिससे क्या है कि दो लोगों में फूट कैसे डालें और किस तरीके से उनमें एक जानवर की तरह लड़ाई कराएं। इस विधि को क्या है कि जानने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी मेरी वीडियो देखने के लिए मेरा ये नंबर जो स्क्रीन पे दिया हुआ वो मेरा ओरिजिनल नंबर है, उसी नंबर को आप यूट्यूब पे डायल करके और मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करके सारी वीडियो आप मेरी क्या है कि देख सकते हैं, जिससे आपको हर समस्या के समाधान के लिए हर एक चीज़ की आपको वीडियो मिलेगी, जिससे क्या है कि आपके जीवन में जो आने वाली दिक्कत है, परेशानी है, जो समस्याएं हैं, उससे आप छुटकारा भी पा सकते हैं और आप क्या है कि कामयाब भी हो सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने क्या है कि कहीं से भी क्या है कि अगर समाधान कराते हो तो प्लीज़ सही उससे जानकारी लीजिए, इसके बाद में ही क्या है कि उनसे संपर्क कीजिए, क्योंकि मेरे नाम से कई वीडियो बन रही है जिससे क्या है कि आज क्या है कि मेरे को खुद को क्या है कि कहते हैं कि आपके नाम से वो है, आप ओरिजिनल नहीं हो। बिल्कुल मैं क्या है कि आपके सामने जो क्या है कि आप मेरे को वीडियो कॉल करके भी देख सकते हैं और खुद क्या है कि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, नाम मेरा मनीष आचार्य है। आप जब मर्जी चाहे आप मेरे से क्या है कि संपर्क कर सकते हैं और क्या है कि किसी समस्या के कारण से अगर आप क्या है कि नहीं कोई ये उपाय कर सकते हैं तो उसके लिए क्या है कि आप हमारे से भी करा सकते हैं। हमारा नंबर जो स्क्रीन पे दिया हुआ है उसी के ऊपर संपर्क करके, नीचे जो कमेंट के अंदर नंबर आते हैं ये लोग फालतू की बकवास मारते रहते हैं कि इस नंबर पे सब्सक्राइब कीजिए, इसके ऊपर संपर्क कीजिए, ये सब क्या है कि फालतू है। ठीक है, मेरा नंबर जो ओरिजिनल है वो स्क्रीन पे ही दिया हुआ है, उसी नंबर पे आप संपर्क करके मेरे से हर समस्या के समाधान के लिए जानकारी ले सकते हैं और इस चीज़ के मैं पैसे ज़रूर लेता हूँ, ये नहीं कि मैं फ्री में करता हूँ, पैसे लेता हूँ वो भी मैं पहले लेता हूँ, पर आपको हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा हमारी यहाँ पर। और इससे पहले आज मैं आपको बता रहा था कि दो लोगों को किस तरीके से अलग करें, किस तरीके से एक जानवर की तरह लड़ाए, तो उसके लिए आपने को चाहिए एक नींबू और एक कर चाकू, जिससे क्या है कि और एक चाहिए अपने को काले रंग का मार्का जो आप देख रहे हैं। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है कि सबसे पहले उस इंसान का नाम लिखना है जिसे क्या है कि आप लड़ाई कराना चाहते हो, जैसे उसका नाम है पंकज, तो मैंने लिख दिया पंकज। इसके बाद में आपने एक स्वास्तिक बनाना है, स्वास्तिक बनाने के बाद में आपने नीचे क्या है कि अपना नाम लिखना है, जैसे आपका नाम है रेनू, जैसे मैंने लिख दिया है रेनू। तो इसके बाद में क्या करना है, आपने बिल्कुल पूरी वीडियो को ध्यान से देखोगे तभी आपको हर बात समझ में आएगी। ये नाम लिखने के बाद में आपने क्या करना है कि इस मंत्र को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मंत्र को आपने क्या है कि सिद्ध करना है और पानी के अंदर बैठ के करना है, ये नहीं कि बाहर या कहीं क्या है कि और कहीं पर आकर जाके बैठे, नहीं, इस मंत्र की सिद्धि जो होगी वो क्या है कि इसी पानी के अंदर होगी। 108 बार क्या है कि पढ़ के 41 दिन तक क्या है कि आपने क्या है कि इस चीज़ की सिद्धि करनी है। और मंत्र आपको मैं बता देता हूँ कि 52 भैरू 64 योगिनी मम जानी जाए, और इसके बाद में मम की जगह क्या है कि उस व्यक्ति का आपने शब्द लेना है, और ये जो है कि 42वें दिन ये काम आपने करना है, 41 दिन तो पानी में बैठ के सिर्फ सिद्धि करनी है 108 बार इस मंत्र को पढ़ के। इसके बाद में आपने क्या करना है कि इस नींबू को इसको क्या है कि चार भाग के अंदर आपने करना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बीच के अंदर से कटना चाहिए, ये नहीं कि अलग, बिल्कुल क्या है कि बीच के अंदर से कटना चाहिए इसी तरीके से। और इसके बाद के अंदर आपने क्या करना है कि अपने ऊपर से ऐसे घुमा के और इसी तरीके से आपने क्या है कि छोड़ देना है, इसको मुड़ के देखना नहीं है और बिल्कुल क्या है कि पानी से बाहर आ जाना है, और इसके बाद में क्या है कि आपका जो है दिक्कत है, परेशानी है, वो सॉल्व होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार दोस्तों।